है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 520 के। उसके लिए 520 को यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब आप यहाँ पे टू फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है कि हमने क्या करना होता है, लास्ट डेट चेक करना होता है। अगर तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो यहाँ लास्ट पे, ठीक है, नंबर के, तो हम यहाँ पे टू फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 है, इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पे टू फैक्टर ले लेना। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा क्या आता है, 5 से छोटा 4 आता है। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जार 5 था, 4 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने 1 इसको दे दिया, कह रही ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 आ गया, 6 आ, और ये 0 का 0 वैसे उतार लें, ठीक है। अब देखिए आपके आपके पास 0 है, फिर से आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं ना। 2 के टेबल में 2 आता है, 1 जार 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जार और 0 का 0 आ गया, फिर 0 है, तो यहाँ पे 2 ले लें। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, हमने इकट्ठे कंसिडर करना है 13, तो 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो क्या करें, 13 से छोटा क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 13 से छोटा 12 आता है, तो ये बन जाएगा 12। 2 के टेबल में 12 आ गया, 6 है, 13 था, कटो के 12 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आ गया, 5 सा, ठीक है। अब देखिए 65 है, लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, इनमें से तो कुछ नहीं है, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से नहीं है, हमारे पास 5 है, यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 फैक्टर तो रिजेक्ट हो गया, 3 फैक्टर के लिए ये ज़रूरी होता है, ये रूल होता है कि हमने डिजिट्स को प्लस करना है, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले लेंगे। 6 में 5 प्लस किया, 11 आ गया, तो 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम 3 भी नहीं लेंगे। अब 3 के बाद देखिए 5 में, 5 में हम लोग क्या करते होते हैं, लास्ट डेट चेक करते होते हैं, लास्ट डेट अगर 0 हो या 5 हो तो हमारे पास तो 5 है, इसका मतलब हम यहाँ पे 5 फैक्टर ले लेंगे। 5 को टेबल में 6 नहीं आता, नहीं आता, 6 से छोटा क्या आता है, 5, तो ये बन गया 5। 5 को टेबल में 5 आ गया, 1 जारी कट हो के 6 से 5 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, बन गया 15। 5 को टेबल में 15 आ गया, 3 सा। अब आप देखें 13 है, ये 5 को टेबल में आएगा, नो, क्योंकि लास्ट डेट तो हमारे पास 3 है, 5 को टेबल में 13 नहीं आता है, तो 10 आता है, तो 15 आता है। अब ये देखेंगे 7 के टेबल में 13 आता है, नो, 7 के टेबल में भी 13 नहीं आता, ठीक है। तो 2 के टेबल में 3 में 5 में 7 में नहीं आता, 13 एक प्राइम नंबर है, फिर इसलिए प्राइम नंबर ही, अगर इन चारों में से किसी टेबल में ना आता तो वो फिर प्राइम नंबर होता है, वो फिर अपने टेबल में आता है। 13 आ गया, प्राइम फैक्टर्स 520 के ये आ गए, 2 × 2 × 2 × 5 × 13, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गई ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।